हाँ जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे फॉर्मूलास पे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारे कुछ फॉर्मूलास बनते हैं, वो क्या है? पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर आप नोटिस करो, चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट है। इन चार क्वाड्रेंट के अंदर फॉर्मूलास बनेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है वो बताता हूँ, बट उससे पहले आपको दो चीजें लर्न करनी है। क्या जब 90 और 270 का यूज होगा तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज करना है, यानी साइन को कॉस करना है, कॉस को साइन। ध्यान से एक बात देख लो, तब जब 90 डिग्री और 270 डिग्री का यूज होगा, यानी जब वर्टिकल लाइन, इस वाली लाइन का यूज करेंगे, वर्टिकल का, तो क्या करना है, साइन को कॉस बना देना है और कॉस को साइन बना देना है। दूसरा, सेक को कॉसेक बना देना है और कॉसेक को सेक बना देना है। तीसरा, टैन को कॉट बना देना है और कॉट को टैन बना देना है। ओके, हाँ, अगर आप 180 या 360 का यूज करेंगे तो सेम नेम रखना है, यानी साइन को साइन, कॉस को कॉस, टैन को टैन, कॉसेक को कॉसेक, सेक को और सेक को सेक और कॉट को कॉट, ये रखना है। आई होप ये पॉइंट अच्छे से याद हो गया हो। कब चेंज करना है? 90 और 270 पे। अब आओ फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बच्चे एक बात बताओ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये लर्न होगा, मेरे को ये बताओ फर्स्ट पॉइंट में जाने के दो रास्ते कौन कौन से हैं? कुछ सोच के बताओ, फर्स्ट पॉइंट में जाने के दो रास्ते कौन कौन से हैं? यानी आप मान लो एक पॉइंट है, यहां पर है फर्स्ट पॉइंट में, आप यहां पर किस किस लाइन से पहुंच सकते हो, यानी 90 डिग्री से और एक 360 से। ध्यान से समझना बेटा, एक 90 का यूज कर सकते हो, मान लो ये पॉइंट है, और एक 360 का यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, पहला, अगर मान लो मैं 90 का यूज करूं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 से बैक आना पड़ेगा पीछे की तरफ, 90 से बैक तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, आई सेड साइन 90 का यूज हो रहा है तो नाम चेंज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये बन गया। तब जब 90 का यूज करो नाम चेंज, एक बात का ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे ही सारे पॉजिटिव, यानी साइन का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, कॉस का आंसर भी पॉजिटिव, टैन का आंसर भी पॉजिटिव। अब इसी तरह एक और मैं दिखाता हूं आपको, अब मान लो ये मैं 360 का यूज करता, 360 में क्या होता, 360 से आगे जाना पड़ता, यानी 360 प्लस थीटा, तो क्या साइन 360 प्लस थीटा, जब 180 और 360 हो तो नाम सेम, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। ध्यान रखना फर्स्ट में सबका आंसर पॉजिटिव, फिर कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा sec थीटा cot 360 प्लस थीटा cosec थीटा cosec 360 प्लस थीटा cosec थीटा। ओके, नाम सेम रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहला,
सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो रास्ते कौन कौन से हैं? सेकंड में एक 90 डिग्री, 90 से ज्यादा, 180 से कम, दो रास्ते हैं। तो पहले 90 वाले का यूज करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 का यूज हो रहा है तो नाम चेंज क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एक बात का ध्यान रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव। यानी साइन 90 प्लस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, फिर कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड में किसका आंसर पॉजिटिव? साइन और कॉसेक का। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। फिर टैन 90 प्लस थीटा, टैन का हो जाएगा माइनस कॉट। अगर कंफ्यूजन है तो मैं काम करता हूं, मैं एक बार में पहले सारे लिख देता हूं। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा? नाम चेंज। कौन कौन सा पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक वाला, यानी ये भी नेगेटिव। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और लास्ट कॉसेक 90 प्लस थीटा पॉजिटिव सेक थीटा। देखो भाई, साइन का और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। एक और लेते हैं। अब दूसरा रास्ता क्या है? 180 से बैक, तो क्या हो जाएगा मेरा पहला? साइन 180 माइनस थीटा। अब मैं सारे एक साथ लिखता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। साइन का 180 का यूज हो रहा था, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। अब किस किस का आंसर पॉजिटिव रखना है? सिर्फ साइन और कॉसेक वाले का, बाकी सबको नेगेटिव कर देना है। यानी ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और बाकी ये सारे प्लस। अब इसी तरह बनाते थर्ड क्वाड्रेंट का। आओ अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते कौन कौन से हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से दो रास्ते बेटा? एक है 180 प्लस और 270 माइनस। तो पहला साइन 180 प्लस थीटा, एक बार में लिख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, आप मेरे से पहले पहले फॉर्मूला बनाइए। कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉस सेक 180 प्लस थीटा, फिर साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉस सेक 270 माइनस थीटा। हाँ जी, जब 180 का यूज कर रहे हो तो नाम सेम, यानी साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
कॉसेक थीटा। अब थर्ड में कौन कौन सा होता है, आफ्टर स्कूल टू, आफ्टर स्कूल टू, टी फॉर टैन और उसका उल्टा कॉट, यानी टैन और कॉट के आंसर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, टैन और कॉट के आंसर। अब इसी तरह साइन 270 का जब यूज हो रहा है, नाम चेंज, साइन का हो जाएगा मेरा कॉस, कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, पॉजिटिव टैन और कॉट वाले, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का आप खुद बखुद बनाइए। अब ये क्यों पढ़ाया है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन,